वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया हजरत शुभ का जला कुछ है जो कि एक आम जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली बात है किसी ने ये पूछा है कि जैसे आ, आम जिंदगी में दोस्त यार या फैमिली वाले एक दूसरे को कर्ज लेते देते रहते हैं जब एक दो साल बाद या तीन चार साल बाद जब कभी भी वो कर्ज वापस होता है तो वो वही रकम लौटा लौटा देते हैं यानी जैसे ये समझिए कि अगर हज़ार डॉलर लिए थे तो हज़ार डॉलर वो वापस लौटा देते हैं लेकिन दरअसल अब इस रकम की वैल्यू कम हो चुकी होती है क्योंकि इन्फ्लेशन और वगैरह वगैरह तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि असल रकम के ऊपर कुछ और रकम वसूल की जाए टू मेक द वैल्यू इवन ठीक है तो इस तरह कर्ज़ लेने वाले का क्या नुकसान नहीं हो जाता कि उसने कर्ज़ तो दिया अच्छी नीयत से लेकिन वापसी कम हो गई उसकी तो और इस्लाम इसकी इजाज़त क्यों नहीं देता कि आदमी ज़्यादा पैसे ले सके क्योंकि इंसाफ इस्लाम तो सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद मजहब है और इस्लाम यहाँ इंसाफ़ नहीं होने दे रहा तो फरमाइए आप क्या हमें गाइड करेंगे बड़ा सोच के लायक हुई है शुबा जी तो अच्छा शुबा है तो पहली बात तो असल में इस्लाम तो इंसाफ पसंद है और इंसाफ ही मुहैया करता है जी लेकिन मुसलमान या इंसाफ खुद इंसाफ पसंद नहीं है ये जो ये फॉल्ट जो है ना खुद इंसान और मुसलमान का है जो मुसलमान इस्लाम को सही फॉलो नहीं कर रहा उसने खुद ये उस मुसीबत अपने गले डाली है और इस्लाम ने उसको ऐसी कोई तालीम नहीं दी इस्लाम ने जो उसको गाइडलाइन दी वो तो इतनी परफेक्ट है कि उसको ये काम करने की ज़रूरत ही पेश ना और ये बात जो है रसूल वसम चौदह सौ साल पहले अमरी तौर पर हमें गो कि करके दिखा के गए कि इसका मतलब कि डी वैल्यू होगी डिवेल्यूशन जो आज की दुनिया ने ये असलाह समझी है जैसे आपने बताया कि हजार डॉलर दिया दो साल के बाद वो हज़ार नहीं है हैं उसमें तो पाँच सौ कम हो गया ठीक है ना तो गोया यह एक लाख रुपए दिया तो दो साल के बाद गया तो, तो आपने नबे हज़ार वापस किए हैं दस हज़ार तो डी वैल्यू हो गया जी तो गोया के लेके रसूल व्ल्लम ने जो अमली अपना तर्ज अमल दिया तो ऐसा दिया कि आपकी डिवेल्युशन जो है बिल्कुल कवर हो जाएगी अगर उस पर यह उम्मत अमल करे या मुसलमान अमल करे ठीक है ना तो इस्लाम का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है पहली बात बाकी दुनियावी नुत नज़र से अगर देखें तो ये जो हो गया कि भी ये डीवेल्यू हो गया पैसा और ये कम हो गया तो ये डीवेल्यूशन का जो ये आफत आ जाती है तो ये जो फॉल्ट है ये इस्लाम का नहीं है ये फॉल्ट अमरीका का है अमरीका की मुशी अच्छा। निज़ाम का फॉल्ट है अच्छा क्योंकि आपको पता है कि नाइनटीन थर्टी वन के अंदर ब्रेटन वुड्स के अंदर जो है एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात तय हुई कि दुनिया के जितने ममालिक हैं वो अपनी करेंसी के पीछे सोने के पाबंद नहीं हैं कहेंगे कि हमारे पीछे सोना है लेकिन अमली तौर पर सोना देने के पाबंद नहीं है हाँ अमरीका ने यह कहा था क्योंकि अमरीका की हालत मुस्तकम थी उन्होंने कहा हाँ मैं अपने डॉलर के पीछे सोना देने का पाबंद रहूँगा लेकिन शर्त यह कि तुम सारी दुनिया की करेंसी मेरी करेंसी से जो जाए, है वो ज्वाइन कर दो लिहाजा आज आप देखते कारोबार चलते हैं तो एल सी जो है वो डॉलर में बनती है, है, है। क्योंकि सारी दुनिया की करेंसियां डॉलर से वाबस्ता हैं तो इसने यह कह कहकर वाबस्ता करवाई कि मैं सोना देने के पाबंदूं क्योंकि मेरे पास सोने के झखायरे हैं लिहाजा मेरे डॉलर के पीछे सोना है ठीक लेकिन बाकी दुनिया के जो ममालिक वो शो करें कि हमारे पीछे सोना है लेकिन आप अमली तौर तो पर सोना ना दें क्योंकि तुम्हारे जखीरे नहीं सोने के तुम्हारे पास लिहाजा ये वजह है कि हमारे वो रुपए के नोटों पे लिखा था हामिल हाजा को हैं दिया जाएगा तो वो हामिल हाजा वाली अब इबारत की हैसियत नहीं थी क्योंकि रुपए के पीछे सोना तो है ही नहीं खदाने खाली हैं है। तो मालूम है कि अमेरिका ने यह वादा मुहदा किया और नाइनटीन थर्टी वन के अंदर ही मुहदा हुआ लिहाजा उसको ब्रिटेन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इस मुहदे का नाम है ये हुआ अब ये जब हुआ तो इस तरह चलने लगा दुनिया कारोबार चलने लगी एल सियां बनने लगी तो हुआ ये कि नाइनटीन फिफ्टी फाइव में गालबन, फ्रांस ने मुतालबा किया कि भैया ये डॉलर लो हमें सोना चाहिए तो बहुत से लोग आ कि वो वाशिंगटन बैंक से सोना लेने लगे अब अमरीका ने चूंकि ये वादा किया था कि सोना मैं देने का पाबंद रहूंगा, तो सोना दे दिया उसने लेकिन उसको ये ख़तरा हुआ कि अगर मैं यूँ सोना देता ना अपनी करेंसी के पीछे तो मेरे जख़ीरे तो सोने के कम हो जाएंगे है तो अमेरिका ने 1971 के अंदर ये ऐलान कर दिया कि जैसे तुम लोग सोना नहीं देते हो अपनी करेंसी की वजह मैं भी सोना देने का पाबंद नहीं तो वो एग्रीमेंट जो था किसे तोड़ा अमेरिका ने अमेरिका ने तोड़ा फाल्ट अमेरिका की अब इस्लाम की नहीं है अच्छा। उसने क्यों आप तोड़ा जब वायदा किया तो भुगते हैं आप अब इसने वायदा तोड़ दिया कहा कि मैं भी डॉलर के पीछे सोना देने का पाबंद नहीं हूं जैसे तुम लोग अपनी करेंसी को सोना देने के पाबंद नहीं और आपको पता है कि इस्लाम का कमाल यह है उसने समने खलकी जो है यानी तख्लीकी तौर पर जो खरीदो फरोत का जो आला बनाया वो सोने और चांदी को बनाया है यहाज सोने और चांदी के सिक्कों के साथ ही खरीदो फरुद्ध होती थी दन, दिलों में दनारियर के साथ और सोना और चांदी एक ऐसी चीज़ है ये कभी डिवेल्यू नहीं होता इसमें डिवेल्यूशन नहीं आती जैसे नोटों में हो जाती है तो है ये कि अमरीका ने कहा था मैं भी सोना नहीं देता हाँ ये होगा कोई मुझे डॉलर लेके आएगा डॉलर के पास दूसरा डॉलर दे दूंगा सोना मैं नहीं दूँगा जैसे आप जो है रुपए के बदले में दूसरा रुपया दे देते हैं सोना नहीं देते तो मैं क्यों दूं क्योंकि उसको ख़तरा कि मेरे जखीरे कम हो जाएंगे तो असल भी ये फाल्ट वहां से स्टार्ट हुआ ठीक नतीजा क्या हुआ अब करंसियों के पीछे सोना है ही नहीं अगर सोना होता तो ये डिवेलेशन का खतरा ना रहता कि एक ताजिर ने अगर एक लाख रुपए दिया था साल के बाद एक लाख लेता और बैंक में जाके उस लाख का सोना लेता तो सोना उसको उतना ही मिलता कि वो एक लाख दस हजार बनते है? कम ना होता ठीक है जबकि दीने इस्लाम ने जो है वो सोने और चांदी को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया ये नोट तो बाद की ईजाद है और नोट के पीछे सोना इस्लाम लेके चलता रहा जिसको फिर मैंने जैसे बताया उस मुहिदे के अंदर तो खत्म कर दिया गया जी ठीक है अब दूसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के हवाले से ये अमली तौर पर हिदायत ये दी कि जब कर्ज देने वाला कर्ज दे तो वापस लौटाने वाले जब लौटाए वापस तो थोड़ा सा ज्यादा दे दिया करें अच्छा हाँ शर्द भले शर्द ना लगाए शर्द लगाएगा तो वो तो सूद बन जाएगा लेकिन उसको चाहिए अमली तौर पर कुछ ज्यादा दे यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया अच्छा। हदीस में आता है कि एक अंसारी जो सबी से आपने कर्ज लिया था चालीस से सा आपने कर्ज लिया था तो लेने के लिए आ कि जी मेरा कर्ज आप फिर कि अभी मुझे थोड़ा सा और वक़्त दो तो अभी इंतजाम नहीं हुआ ये बात की तो वो कुछ बोलना चाह रहा तो आपने फरमाया कि देख तुम बोलो तो खैर बोलना खैर की बात बोलो क्योंकि मैं अच्छा कर्ज लौटाने वाला हूँ मतलब उल्टी सीधा बदतमीजी करे ना आंसर तो कहते हैं कि वो जो है तू बोलो तो खैर की बात बोलना क्योंकि मैं अच्छा कर्ज लौटाने वाला हूँ ये कहा उसके बाद जब आपने उसको वापस किया तो उससे जो है वो कि चालीस सा आपने लिया था ना आपने चालीस सा और ज़्यादा करके अस्सी साल वापस किया फरमाया कि ये तेरा कर्ज है ये मेरी तरफ से तो अगर डीवेलिशू हो, होगी भी तो चालीस डबल दे दिया एक और साहबी जिससे आपने निसंभ वसक निसब पैमाना था नसफ वसक आपने लिया जब उसको लौटाया आपने पूरा एक वसक लौटाया फरमाया कि ये निसफ वसक तो तेरा कर्जा है बाकी निसफ वसक मेरी तरफ से है क्योंकि तूने मेरी हेल्प की तूने मुझे कर्जा दिया क्यों कर्ज एक तरह के इशार है तो लिहाजा उसका अलज़ाउल एहसान 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 के बदले एहसान होना चाहिए लेकिन आपने ज्यादा दिया इवन अगर जाबिर, जाबिर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मुझसे नबी पाक सल्ला वसल् ने कर्ज़ लिया था तो मैं चाश के वक्त मैं आपके पास गया आपने मुझे कहा जाबिर उठ नमाज पढ़ मैं चाश की नमाज़ पढ़ नमाज पढ़ी मैंने पढ़ने के बाद आपने मेरा जो कर्ज था वो मुझे लौटाया और उस पर जायद भी दे दिया जायद भी दे दिया जाबिर ने क्या किया कि जो कर्ज वो तो खर्च किया जो जायद दिया तो फर्मा तो की तोहफा तो था उसको तबरु कर आपने सेव किया ये तब तो नबी वसल्लम ने अमली तौर पर उम्मत को करके दिखा दिया कि जब आप किसी से कर्ज लें तो वापस जब लौटाने लगे तो कुछ जायद करके दें इससे क्या होगा रिवाज आमतौर तो पर पड़ जाएगा कोई, कोई शर्त नहीं लगाएगा उसको पता है कि मुझे जायद करके आएगा डिवेल्यूशन का खतरा ही नहीं हालांकि वो सोने चांदी में तो डी होने का ख़तरा था भी नहीं लेकिन नबी करीम अलैहि वसल्लम ने क्यामत तक के लिए गोया कि आपको ये अमली हिदायत दे दी है कि अगर ये ऐसा ज़माना भी आता है जिसमें नोट करेंसी डी होती है अब अगर मसला एक आदमी एक लाख रुपये कर्ज़ दिया पाकिस्तान की बात एक लाख कर्ज़ दिया तो अब वापस देने वाले को उसको चाहिए एक लाख दस हज़ार देना बग़ैर शत लगा वो सूद नहीं है बल्कि नबी पाशल फरमाते हैं ये बेहतरीन शख्स है जो बेहतर वापस करने वाला है उसकी तारीफ की है तो वो सूद नहीं लेकिन सूद जब बनता आप जब शर्तें लगा लेते हैं ना तो शर्त लगाने से वो जायज हराम व नजायज हो जाएगा आप अपने कलबी तीब खातिर के जज्बे के साथ देंगे तो वही चीज जो है आपके लिए काबिल अजर बन जाती है तो अगर ये रिवाज जो नबी ने अपने ज़माने में डाला ये उम्मत आज डाल ले तो कोई किसी पर सूद मांगेगा ही नहीं वो एक लाख कर्ज देगा तो उसको पता है कि एक लाख दस आ जाएगा डी अगर हुई नब्बे तो मेरा लाख पूरा हो जाएगा ठीक ये और दूसरी बात है कि अब भी हम ये मशरा देते होते हैं पाकिस्तान में जब थे हम ये मशा देते थे कि अगर वहां पे अगर आपने वो कर्ज का लेन देन करना है तो डॉलर में करें डॉलर में करें कि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो आमतौर पर डी वैल्यू नहीं होती बनी पर रुपए के जी तो अगर कोई कहता यार मुझे एक लाख रुपए चाहिए आप उसे एक लाख के डॉलर दे कितने बनते हैं उनके जी ठीक है जी आपको ये पाँच सौ डॉलर मैं दे रहा हूँ पाँच सौ डॉलर ही साल के बाद लूँगा मैं अब चा पाँच सौ डॉलर जब साल के बाद लेगा ना तो बैंक में जाएगा तो उसको हो सकता है एक लाख दस हज़ार बने क्योंकि वो वैल्यू या पूरा लाख बनेगा तो वो मतलब है कि उसकी डिवेलिएशन का नुकसान नहीं होगा अमरीका यूरोप में हम ये कहते हैं कि यहाँ अगर आपने करनी है तो आप उसकी सोने में करें सोने के अंदर गोल्ड के अंदर करें कि जी आप कितने चाहिए जी मुझे एक लाख डॉलर चाहिए यार एक लाख डॉलर का सोना कितना है जी ये जी इतना ग्राम सोना बनता है कि यार देखो इतने ग्राम सोने के बिस्किट जो है ना ये मैं आपको देता हूँ ठीक या लिख दिया कि इतने ग्राम सोना बन रहा है ये सोने के ब्याप पे मैं आपको इतने डॉलर दे रहा हूँ आप मुझे उस सोने के ब्याप पे कर्जा वापस करेंगे अब वह जब सोने के ब्याह पे आपको बिस्किट वापस करेगा उतने ग्राम के डी वैल्यू का सवाल ही नहीं हो सकता वैल्यू आपको तो शरीयत ने तो आपको इतने अच्छे रास्ते बताए आप खुद फॉलो नहीं करते तो कि इस्लाम इंसाफ पसंद है मुसलमान या इंसाफ खुद ना इंसाफ पसंद नहीं है ये चोर दरवाजों से जो है वो गरीब का खून चूसता है अमीर को इंजेक्शन खून का लगा के उसको मोटा करता है लिहाजा इस सिस्टम कैपिटलिज्म सिस्टम में गरीब गरीब तर होता है अमीर अमीर होता है ठीक है ना पर ये है वो सूरत अगर आज भी लोग बल्कि उम्मत इस पर फैसला कर ले कि यार वो कर्ज के ऊपर हम वो क्या करेंगे ज्यादा देने की रिवायत डाल लेंगे तो आप देखना कि कोई इसके ऊपर सूद मांगेगा नहीं और सब कहेंगे यार शुर्ण शुर्ण खुद ये करते थे लिहाजा हम जो है लाख देंगे तो वापस हम गए एक लाख दस देंगे दरिया क्या होगा कर्ज देने वाला भी खुशी से कर्ज देगा वो ये सोचेगा यार दो साल बाद वापस मिलेगा कुत खरीद इसकी कम हो जाएगी यार जा, उधर ज्यादा हो जाएगी वो सारे खर्खश खत्म हो गए तो ये असल में हकीकत यह है कि दीन इस्लाम की रहमत को और शरीय की इस नफासत को आज लोग समझते नहीं है जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं लिहाजा ये फाट इस्लाम का नहीं है किसी और का रहमत को और शरीत की इस नफासत को आज लोग समझते नहीं हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं लिहाजा ये फाट इस्लाम का नहीं है किसी और का है उनको फाट अपना फिस करना चाहिए करंसी के पीछे सोना लेके आ जाएँ और सोने के ब्याप पर ये सारी की सारी चीज़ें हों और सोना और चांदी ये अल्लाह ने ये सामान बनाई थी तो उसकी बुनियाद पे आ जाएँगे तो यह क्या होगा आपको कोई नुकसान नहीं है लेकिन आज आपने चलो उर्फी नोट को समने उर्फी बना दिया उसको लेके चलते हैं तो मैंने बताया तो या तो डॉलर में आप कर्ज लें और या फिर सोने के पे लें, तो कोई नुकसान, नहीं। कोई नुकसान नहीं ये, तो ये, ये चीजें पता ही नहीं है बिल्कुल ये तो ये सवाल बड़ा अच्छा आ गया तो इससे बड़ी अच्छी वजाहत होगी बहुत शुक्रिया आपका